यूपी एलटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ग्रुप का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें ए बाइनरी ऑपरेशंस इज डिफाइंड बाय, बाइनरी ऑपरेशन किससे डिफाइन करता है, ऑन द नॉन एम्प्टी सेट सी इज द मैपिंग्स, पहला है ओ सच दैट जी टेंड्स टू जी, दूसरा ऑप्शन है यानी कि ओ सच दैट जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी क्रॉस जी, एंड ओ सच दैट जी क्रॉस जी इक्वल टू जी, एंड ओ सच दैट जी टेंड्स टू जी क्रॉस जी। तो आंसर आता है इसका सी, यानी कि सी आंसर करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, आंसर सामने लिए हमने लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीपल आइडेंटिटी इज, मल्टीपल आइडेंटिटी वन हुआ करती है इक्वल टू वन, तो ऑप्शन हो जाएगा टू का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन इज सेट, सेट दिया है वन आई माइनस आई एंड माइनस वन, इस ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा फोर, यानी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसका ऑर्डर हुआ करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप है, जेड प्लस जेड माइनस जेड क्रॉस फोर का हो जाएगा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ग्रुप जी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी जी में बिलोंग्स कर रहा है, यानी ए ऑपरेशन बी का, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स इज इक्वल टू होगा बी इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ए इनवर्स, तो फाइव का होगा ये डी ऑप्शन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा सिक्स, ठीक है। ए बी सी आर एन जी, ए बी सी किसी ग्रुप में है, देन ए बी बराबर ए सी सच दैट बी अगर सी के बराबर है तो इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कौन सा कॉन्सिक्वेंस इसमें लगा है, रिवर्स लगा है कि लेफ्ट कैंसिलेशन है कि राइट कैंसिलेशन है कि नॉन है। देखिएगा इसका लेफ्ट कैंसिलेशन ला होगा क्योंकि लेफ्ट के एलिमेंट कैंसिल हो गए, ए से ए कैंसिल हो गया तो बी इक्वल टू सी आ गया, इट इज़ द लेफ्ट कैंसिलेशन ला होगा, यानी कि सिक्स का बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप विच इज द इनवर्स ऑफ इट्सेल्फ, यानी कि किसी ग्रुप का एलिमेंट्स अपने आप का इन्वर्स है तो क्या होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि द आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट या एवरी एलिमेंट या नॉन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने का खुद का इन्वर्स होता है, यानी कि आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद वही एलिमेंट हुआ करता है। तो सेवन का ए आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा एट, इन द ग्रुप जी क्रॉस इज सेट टू विद द अबेलियन ग्रुप, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में एक अबेलियन ग्रुप होगा, इफ़ द कम्पोजिशन इज क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, अगर वो कम्यूट है या एसोसिएट्स है या डिस्ट्रीब्यूट है या नॉन, अगर एक ग्रुप इज सेट टू विद द अबेलियन ग्रुप इन द कम्पोजिशन इज कम्यूटेटिव, तो एट का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा नाइन, ए फाइनाइट सेट जी इज ए फाइनाइट सेट जी इज ए बाइनरी कंपोजिशन विद एसोसिएटिव इज ए ग्रुप ऑफ एंड ओनली इफ, ये होना चाहिए कैंसिलेशन ला होल्ड, यानी कि ए फाइनाइट सेट जी इज ए बाइनरी कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, यदि वो एसोसिएटिव है तो ग्रुप इज इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन ला, यानी बाइनरी एसोसिएट के लिए कैंसिलेशन ला होल्ड होना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तो नाइन का ऑप्शन आया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा एंड क्वेश्चन नंबर हुआ टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है जी इक्वल टू आर माइनस ब्रैकेट से माइनस वन एंड ओ जीरो इज डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर एवरी वैल्यू का ए बी बिलोंग्स टू जी, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जी एंड ओ इज क्या होना चाहिए, इसका जीरो होगा, यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटीज यानी एडिटिव आइडेंटिटी होगा, एडिटिव की कंडीशन इसमें लगा है, एडिटिव आइडेंटिटीज जो है जीरो हुआ करती है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो। नेक्स्ट है इसमें यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर का सेट विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन फॉर्म ए क्या होता है,
ग्रुप होता है कि एबेलियन ग्रुप होता है कि नोटिक ग्रुप, नोटिक ग्रुप होगा सेट ऑफ एडिशन सेट ऑफ ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स अपने आप में ग्रुप नहीं बनाता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ओड इंटीजर्स है और उसमें एडिशन है ना, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ओड इंटीजर्स में जो है ग्रुप की फॉर्म नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज क्या होता है, यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, यानी कि ए नंबर होगा, 12 का ए नंबर सामने आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स द अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई टू द आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। देखिएगा हमने उसका हिंट्स का रखा है, निकाल भी रखा है कैसे होता है। एलिमेंट ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू आना चाहिए एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई टू था, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है ए बी बाई टू, ऐसे ही हो जाएगा ए ई अपॉन टू इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल हुआ तो ई बाई टू इक्वल टू ए था, ए से ए कैंसिल हुआ तो ई बाई टू इक्वल टू वन, देन ई इक्वल टू आ जाएगा टू, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका होगा टू, एन इस टाइप का भी क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस रहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा एंड क्वेश्चन नंबर 14 है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर अंडर कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई टू द आइडेंटिटीज द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है। लेट हमने माना है, हिंट्स कर दिया था, लेट बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है तो इसमें कंडीशन लगे एलिमेंट ऑपरेशन इनवर्स एलिमेंट इक्वल टू होता है आइडेंटिटीज़। तो एलिमेंट ऑपरेशन इनवर्स एलिमेंट बी माना आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन से, पिछला वाला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन वही है। तो आइडेंटिटी यहाँ पर 2 आया था तो 2 को हमने यहाँ पर रख देंगे। तो ए बी बाई टू, ए ऑपरेशन बी ए बी बाई टू है तो ए बी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 2, देन 2 इक्वल टू यानी बी इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन ए, यानी इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 4 अपॉन ए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जी इक्वल टू 1i माइनस आई एंड माइनस 1 इंटू माइनस आई इज क्या होगा, ए साइक्लिक ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप है 1i माइनस 1 एंड माइनस y इज ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म इसमें हुआ करती है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। ग्रुप है द सेट 16 नंबर है सेट जी इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन इज ए अवेरियन ग्रुप, यानी कि ये वाली जो कंडीशंस है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में विद रेस्पेक्ट टू द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हुआ करता है तो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से ए मल्टीप्लीकेशन अवेरियन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में इनका जो ग्रुप बनता है वो होता है अवेरियन ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी, 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 17। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज इनवर्स, ए का इनवर्स इनवर्स है, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए हुआ करता है, यानी ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। ये कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है, कई बहुत क्वेश्चन इसमें आगे भी हैं कॉन्सेप्ट वाले, बट डायरेक्ट याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो आपको कॉन्सेप्ट ये याद रहेगा तो आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स देन द रिवर्स रूल, यानी कि किसी प्रोडक्ट का इनवर्स इक्वल टू रिवर्स हो जाता है वो कंडीशन, यानी ए ऑपरेशन बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार आता है, यानी फॉर एवरी वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेट क्यू ऑफ द ऑल रेशनल नंबर्स, एक सेट है क्यू रेशनल नंबर्स का एंड ऑपरेटर डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स निकालना है, ए अपॉन ए माइनस वन आएगा। हम देखिएगा हमने हिंट्स भी किया है, निकाल भी रखा है,
ए ऑपरेशन बी इक्वल टू था ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, बी इसका इनवर्स हमने मान लिया है, तो एलिमेंट ऑपरेशन इनवर्स एलिमेंट इक्वल टू होता है आइडेंटिटी, एलिमेंट ऑपरेशन इनवर्स एलिमेंट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी निकाल लो, एलिमेंट ऑपरेशन आइडेंटिटी इक्वल टू होता है एलिमेंट, तो ए ऑपरेशन बी था ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह ई चल रहा, ए प्लस ई माइनस इतना ए से ए कैंसिल, या ए नॉट इक्वल टू वन होगा, यानी आइडेंटिटी इसका जीरो आ चुका, आइडेंटिटी निकाल चुके हैं, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, ई इक्वल टू हम जीरो रख दिया, ये रखा, देखिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटीज बेहर अभी इस दाइन बरसों फिर ये कंडीशन लगाया ए प्लस बी माइनस ए बी, ये वही पॉइंट है, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू आइडेंटिटीज यानी जीरो। अब क्या किया, ए इक्वल टू ए बी माइनस बी हो जाएगा, बी कॉमन लिया, ये हो जाएगा ए माइनस वन, यानी बी इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस वन, ए अपॉन ए माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए, ए का इनवर्स निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, द सेट ऑफ ऑल एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, यानी कि एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनाता है, ये अबेलियन ग्रुप बनाता है अंडर द, किसमें, अंडर द मल्टीप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट्स है, वे इसका बी होगा। नेक्स्ट 21 है, इन ए परम्यूटेशंस ए फाइनाइट सेट, इन ए परम्यूटेशन फाइनाइट सेट हैविंग द एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, एन इज द एन क्या होगा, डिग्रीज ऑफ परम्यूटेशन, जहाँ पे एन परम्यूटेशन की डिग्री हुआ करती है, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, या सेट ऑफ परम्यूटेशन, सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, या नॉन ए इन परम्यूटेशन फाइनाइट्स सेट हैविंग द एन डिस्टिंक एलिमेंट वेयर एन क्या होता है, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, यानी किसी परम्यूटेशन में एन एलिमेंट्स हैं, एन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो एन द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन ए परम्यूटेशन पी एन कोई परम्यूटेशन है, तो डिग्री एन है, द डिस्टिंक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज, डिस्टिंक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है, डिस्टिंक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है फैक्टोरियल एन, ठीक है। ये पॉइंट है छोटे छोटे, ये आसानी से मिलते नहीं, बहुत बड़ी बारीकी से, यानी कि लैंग्वेज से छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, तब जाके पेपर सेट किया गया है, तब जाके पेपर बनाया। तो इसमें काफ़ी कमेंट आ रहा था कि पेपर नहीं दे रहे, पर यार इसका ग्रुप्स का पेपर बहुत आसानी से नहीं बनाया जा सकता, उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो छाटने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको सेट किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पी एन इक्वल टू एफ सच दैट एफ ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, एफ सच दैट एफ इज ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, तो उसके में तीन कथन दिया है, ए ऑप्शन दिया है एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, जहाँ एन नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, बी ऑप्शन है फैक्टोरियल एन द टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, एंड पी एन इज द सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, पी एन यहाँ पे सिमेट्रिक सेट होता है ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन के लिए। आप देखिएगा इसमें कहा है ए ऑप्शन है ए इज ट्रू, बी ऑप्शन है वी इज ट्रू, सी है पॉजिटिव, एंड डी ऑप्शन है ए बी एंड सी ट्रू, तीनों ही कथन सत्य हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, और डी, तो आंसर इसका बनाएगा 23 का डी, यानी कि परम्यूटेशन के बारे में हमने तीन पॉइंट लिखे हैं, तीनों बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये एन क्या होता है, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट होता है, यानी एन इज़ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट, फैक्टोरियल एन इज द टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, एंड द ये इसको पी एन को कहते हैं सिमेट्रिक सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो इस ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, एंड क्वेश्चन नंबर 24 में है सेट पी थ्री ऑफ द ऑल परम्यूटेशन, जैसे कि पी एन था वैसे पी थ्री है, द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ डिग्रीज, द टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज, इसके टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फैक्टोरियल एन होगा, पी थ्री है तो एन इक्वल टू थ्री है, फैक्टोरियल थ्री यानी कि सिक्स हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। 25 द सेट पी थ्री ऑल परम्यूटेशंस है
डिग्रीज थ्री है, उसकी डिग्री थ्री है, हैविंग द फैक्टोरियल थ्री यानी सिक्स एलिमेंट्स इसमें बनाता है। तो सिक्स एलिमेंट कौन कौन से पॉसिबल हैं वे हमने लिख दिए हैं। पहला वन टू थ्री, वन टू थ्री मतलब नीचे वाले चेंज होंगे, ये इस तरह से चेंज होकर लिखे जाएंगे, ऊपर वाला जो है वन टू थ्री ही रहेगा। नीचे वन टू थ्री, थ्री वन टू, टू थ्री वन, थ्री टू वन, वन थ्री टू एंड टू वन थ्री, यहाँ पर जो है सिक्स एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, एफ इक्वल टू वन टू थ्री वन थ्री टू, द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री इज थ्री, यानी कि तीन है तो डिग्री क्या होगी, थ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, नेक्स्ट है 27 नंबर, एफ एक फंक्शन दिया है, वन टू थ्री फोर फाइव, द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री इज फाइव होगी, वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच है तो उसकी डिग्री क्या होगी, फाइव होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ए साइकिल ऑफ लेंथ टू, मतलब कोई साइक्लिक्स है, साइक्लिक साइकिल ऑफ लेंथ टू इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन, जैसे इस तरह से दो एलिमेंट लिखा है तो इसकी जो लेंथ टू मानी जाती है, साइक्लिक साइकिल ऑफ लेंथ टू इस कॉल्ड द, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इस तरह से अगर तो एक छोटे ब्रैकेट में दो एलिमेंट लिखे होते हैं तो वो ट्रांसपोजिशन कहलाता है। 28 का हो जाएगा बी, एंड 29 है, द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक इज कॉमेटेटिव, डिसजॉइंट साइक्लिक है वो कॉमेटेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, देन परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन, अगर ट्रांसपोजिशन के नंबर इवन होते हैं तो परम्यूटेशन इवन होता है। ऐसे द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड, देन द परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। ऑप्शन नंबर ए हमने डायरेक्ट टिक लगा दिया है, यानी आंसर सामने रखा है, ऑप्शन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल, एन फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल, एन सिंबल में टोटल परम्यूटेशन फैक्टोरियल एन होते हैं, जिसमें फैक्टोरियल एन वाई टू आर इवन परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल एन वाई टू आर ओड परम्यूटेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये हमने लैंग्वेज टाइप बना दिया है तो लैंग्वेज बनेगा, मोस्ट पॉइंट बनेगा, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाता है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, सब सामने होता है, पढ़ा होता तो क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, 33 पॉइंट्स है, द परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल्स, परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल एन परम्यूटेशन ऑन द एन सिंबल, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इज एन माइनस वन होता है, एन माइनस वन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, द परम्यूटेशन ऑन द एन सिंबल एन इज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन इज क्या हो, एन इवन है तो एन मान लो टू है, तो ट्रांस प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एन माइनस वन होता है, यानी टू माइनस वन इन ओड हो जाएगा। अगर द परम्यूटेशन ऑफ एन सिंबल इज अगर इवन है तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या आता है, ओड आता है। ऐसे ही अगर ये क्या होगा, अगर एन इज ओड है, अगर मान लिया तीन है तो तीन माइनस टू यानी कि इवन आ जाता है। तो ये फॉर्मूला फॉर्म की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ये हमने लिखा n इक्वल टू फोर है तो फोर माइनस वन थ्री, यानी कि थ्री ट्रांसपोजिशन आएंगी तो वे ओड हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। ठीक है, यानी कि किसी इनवर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, यानी कि इवन परम्यूटेशन का जो इनवर्स होता है वो इवन परम्यूटेशन ही होता है। एंड द इनवर्स ऑफ एन ओड परम्यूटेशन एंड ओड परम्यूटेशन, एंड ओड परम्यूटेशन का इनवर्स ओड परम्यूटेशन हुआ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब मोस्ट पॉइंट चल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। देखिएगा, दो परम्यूटेशनों का और दो प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन होगा कब होगा, आइदर क्या तो बोथ परम्यूटेशन आज इवन हो या बोथ ओड हो, यानी कि दोनों ही परम्यूटेशन इवन हो या दोनों ही ओड हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इवन परम्यूटेशन होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, आइदर बोथ परम्यूटेशन आर इवन या बोथ ओड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द प्रोडक्ट ऑफ द टू परम्यूटेशन इज एन ओड परम्यूटेशन, इफ द परम्यूटेशन इज ओड एंड द अदर इवन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन ओड होता है वो कब होता है, उनमें से एक परम्यूटेशन ओड हो एंड दूसरा परम्यूटेशन इवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, द फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ईच एलिमेंट्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना हुआ है, वे हैज इक्वल टू वन माइनस वन आई एंड माइनस फाइव, तो इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर देखिएगा, वन जो होता है ऑर्डर के लिए कंडीशन होती है ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटीज, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ वन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि वन की पावर वन इक्वल टू वन होता है।
ठीक है। माइनस वन का पावर वन किया तो माइनस वन आ रहा है, माइनस वन का टू किया तो वन आ रहा है। तो माइनस वन की पावर एन यानी एन इक्वल टू टू है, ठीक है। तो माइनस वन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू, तो यहाँ होगा वो ऑर्डर होगा, मतलब आइडेंटिटीज आ जाना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ माइनस वन, ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा टू। ऐसे ही आई की पावर वन इक्वल टू आई, आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यू माइनस आई, एंड आई की पावर फोर वन होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटीज, ऐसा आई की पावर फोर बराबर आइडेंटिटीज आ रहा है, तो आई की पावर फोर, तो ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू फोर होगा, जो यहाँ पे कंडीशन होती है। ऐसे ही माइनस आई की पावर वन इक्वल टू माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस वन, माइनस आई का क्यू इक्वल टू आई, एंड माइनस आई का पावर फोर इक्वल टू वन, तो माइनस आई की पावर फोर इक्वल टू आइडेंटिटीज आ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू फोर, माइनस आई का जो ऑर्डर है वो भी फोर होगा। 38 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, मतलब स्टेप वाइज है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, यानी कि किसी फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट हुआ करता है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज इट इनवर्स, यानी किसी ग्रुप में उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर उसके इनवर्स एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होता है। द एलिमेंट इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी एंड द ऑर्डर जो है ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटीज, इफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन एंड ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटीज, एन इज डिवाइजर ऑफ एम, यानी कि एन जो है एम का डिवाइजर होगा। अगर इस तरह की कंडीशन क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन ये बनेगा एन इज डिवाइजर एम की एम इज डिवाइजर एन, तो यहाँ से सही सटीक का आंसर हमको निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ए कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है, एंड द पी इज प्राइम टू एन, पी इज प्राइम टू एन, देन ए की पावर पी आल्सो द ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ए की पावर पी इज also the order of n. Next question is, if the element a b and a b is the finite group each of order 2, यानी a का भी order 2 है, b का भी order 2 है, a b का भी order 2 है, प्रूव करना a b बराबर b है, तो order of a is 2 है, यानी a square बराबर identity होगा, order of b equal to 2 है, तो b square identity होगा, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू टू है, तो ए बी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा। ए बी का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटीज हमने लिखा है, तो ए बी इंटू ए बी बराबर आइडेंटिटी यानी टू, ए से दोनों साइड में मल्टीप्लाइंग कर दिया है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ए बी बी ए, ये आइडेंटिटीज हो गया, बी ए इंटू बी, अब बी से प्रोडक्ट कर दिया साइड में, तो उधर ए बी हो गया, बी स्क्वायर बराबर भी आइडेंटिटीज है, यानी बी ए इक्वल टू ए बी आ चुका है। थोड़ा सा जो सोल्व या हिंट्स करने वाला है वो हमने हिंट्स भी कर दिए हैं, ठीक है। और जो याद करने वाले क्वेश्चन है वो ऑलरेडी याद करने को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये क्वेश्चन आ चुका है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑप्शन बने थे चार, तो अबेलियन ऑप्शन सही था। द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द सेम द ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर, यानी कि किसी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है इज सेम द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, अपने इसके जनरेटर्स के सेम ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन आर ऑल ऑफ द एलिमेंट ए की पावर पी, वेयर पी बीइंग द प्राइम, पी कोई प्राइम है, एंड लाई करता है 0 टू एन के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट पॉइंट है, इससे बनने का चांसेस रहा करता है। द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ऑल द एलिमेंट्स ए की पावर पी, पी बीइंग प्राइम, जहाँ पी प्राइम है टू एन, एंड पी लाई करता है 0 टू एन के बीच। 47 नंबर है, एनी ग्रुप जी ऑर्डर 3, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है वो साइक्लिक होता है, इज साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एस थ्री, द एस थ्री क्या है, द आल परमुटेशन ऑन थ्री सिंबल, द आल परमुटेशन ऑन थ्री सिंबल, ठीक है ना, विच इज रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन
इस उसका प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा, P3 है यानी n वहाँ पे 3 होगा, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन हुआ करता है फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 × 2 × 1 यानी 6 इसका आंसर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है द ग्रुप S3 में ए ऑप्शन है फाइनाइट एंड अबेलियन, बी ऑप्शन है इनफाइनाइट एंड अबेलियन, सी ऑप्शन है फाइनाइट एंड नॉन अबेलियन। जो S3 होता है फाइनाइट होता है एंड नॉन अबेलियन होता है, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स होंगे तो वो नॉन अबेलियन होगा एंड फाइनाइट एंड नॉन अबेलियन इन, तो सी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट होता है। एंड नेक्स्ट है इफ एन एलिमेंट्स ए ऑफ ए ग्रुप जी ऑर्डर एन, किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर एन है, ठीक है, इफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज एन देन पी इज प्राइम टू एन, पी प्राइम है एन के लिए, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर इज पी इक्वल टू एन होगा। ये PGT में क्वेश्चन आ चुका है, ये यही पूछा है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज ए ऑप्शन बना दिए थे, ऑर्डर था एन, ठीक है। तो द ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक होता है, ये पीछे भी आ चुका है लैंग्वेज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 था एंड 52 एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सेम है, उसमें लाइन में लिख दिया था, यहाँ पे ऑप्शन बना के दे दिया है, तो वही क्वेश्चन है इस साइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द नंबर ऑफ जनरेटर इज 2, जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसके नंबर ऑफ जनरेटर 2 होते हैं। सोचेंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर भी इनफाइनाइट होगा, पर ऐसा नहीं होता, जनरेटर उसका 2 होता है। ये क्वेश्चन TGT में आ चुका है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है, नॉन अबेलियन अबेलियन एंड, ठीक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक हुआ करता है। 54 एंड 55 नंबर एंड 55 नंबर है हमारा, हाउ मैनी जनरेटर्स डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, हाउ मैनी जनरेटर्स, बहुत अच्छा ऑप्शन है, कितने जनरेटर्स, हाउ मैनी जनरेटर डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हैव, क्या कंडीशन होगा, एज मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 0 एन, कोई भी इंटीजर हो सकता है जो लाई करता 0 एन एन के बीच, मतलब जो जनरेटर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। दूसरा है एज मैनी इवन इंटीजर्स लाई 0 एन, 0 एन के बीच इवन इंटीजर, कह रहा है ओड इंटीजर्स 0 एंड, ओड भी नहीं होता, इवन भी नहीं होता, मैनी इंटीजर सभी इंटीजर भी नहीं होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होता है, एज मैनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 0 एन, यानी ये ओड भी नहीं होता है, ये होता है प्राइम, प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 0 एंड n के बीच जो जनरेटर्स होते हैं या जनरेटर्स बनते हैं किसी साइक्लिक ग्रुप के, वो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर है, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इस तरह से दिया है, ए ए स्क्वायर एक क्यू ए की पावर 4 ए की पावर 5 एंड की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटीज है, द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 पूछा है, हमने आंसर टिक कर दिया, वो हिंट्स भी दे दिया, क्योंकि ए की पावर 6 इज आइडेंटिटीज यानी ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटीज है, तो ए की पावर 12 भी आइडेंटिटीज होगा, 12 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 6 का स्क्वायर आइडेंटिटीज, ए की पावर 4 का पूछा है, ए की पावर 4 की क्यूब इसको लिखा जा सकता है, ए की पावर 12 को आइडेंटिटीज है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 इज 3 यानी ए की पावर n आइडेंटिटीज है, तो ए की पावर 4 का जो ऑर्डर्स हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इफ द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ए ग्रुप कम्यूट यानी ऑर्डर ऑफ ए m है, यानी एलिमेंट्स जो है कम्यूट है, आपस में कम्यूट किए जा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए m है एंड ऑर्डर ऑफ बी n है, देन mn बेहर एम एन बराबर एन बराबर 1 है एंड ऑपरेशन ऑफ ए बी होगा एम एन के बराबर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम एन होता है। 58 नंबर है इन एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिट 0 इज फाइनाइट, यानी कि कोई एडिटिव ग्रुप है ऑफ इंटीजर्स का, उसका जो ऑर्डर्स होगा ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट्स एग्जिट 0 इज फाइनाइट, फाइनाइट क्यों एग्जिट करता है, फाइनाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ द टू
टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, आठ नंबर है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट ए नेसेसरली ए सब ग्रुप, नेसेसरी में वो सब ग्रुप नहीं होता है, बट इसकी कंडीशन है द यूनियन ऑफ, इकसठ नंबर में दिया है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर, वन इज कंटेन द अदर। नेक्स्ट है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, 62 नंबर है एवरी सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि सब साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप्स होता है वो साइक्लिक होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 63 है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। और नेक्स्ट है 64 है एच एंड के आर एनी टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप जी, देन एच के का इन्वर्स इक्वल टू होता है के इन्वर्स एच इन्वर्स। एंड 64 है एच एंड के द टू सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के सब ग्रुप ऑफ जी एफ होगा एच के बराबर की एच। बस 65 क्वेश्चन इस वीडियोस में दे दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन और हैं उसको दूसरी वीडियोस में दे देंगे।